वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिजाइन करेंगे गोल्डन शील्ड। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। और नेम में मैं रखूंगा, चलिए शॉर्ट में रख लेते हैं, गोल्डन जी एस करके मैं नेम दे देता हूँ। प्रीसेट डेस्टिनेशन कस्टम, और साइज आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं साइज जो ले रहा हूँ वो A4, और यूनिट्स में मैं पिक्सल लूँगा, और ओरिएंटेशन लैंडस्केप, और नंबर ऑफ पेज 1, प्राइमरी कलर मोड मैं RGB ले रहा हूँ, और रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 dpi, और ओके करेंगे। ओके, तो एक A4 साइज का हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। इस पेज के ऊपर मैं माउस पॉइंट इस रेक्टेंगल टूल के ऊपर ले आता हूं और डबल क्लिक करता हूं, एक रेक्टेंगल इस पेज के ऊपर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। मैं इंटरेक्टिव फील टूल पर क्लिक करता हूं। ये देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे है फाउंटेन फील। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ और भी ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन है ये एलिप्टिकल फाउंटेन फील है, इस पर हम क्लिक करेंगे इस बटन पे। तो देखिए ये सेंटर में वाइट हो जाता है और बाहर की तरफ डार्क कलर। तो बाहर के जो ये ब्लैक पॉइंट है, डार्क पॉइंट, इसको मैं कर दूंगा 30% ग्रे, या फिर यहाँ से कर देंगे 40%, और अंदर का जो है उसको वाइट ही रहने देते हैं। चलिए अब इसको मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे इस एक्स बटन पे, तो देखिए ये जो आउटलाइन है वो नन हो जाता है, और इसको राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे ताकि मूव ना हो। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूव नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैं पॉलीगन टूल लेता हूँ, और साइड्स रखेंगे 3, और इसका जो हेयर लाइन कर देंगे, इसके जो आउटलाइन की विड्थ है उसको हेयर लाइन में रखेंगे, और कंट्रोल प्रेस करते हुए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली एक ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से या फिर ऐसे या इस तरह से कोई ट्रायंगल होगा। तो अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे प्रोपोर्शनली ट्रायंगल हमें मिल जाता है कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर लेता हूँ शिफ्ट की प्लस करते हुए, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई फील दे देंगे, मैं इसको थोड़ा सा राइट में जाकर इसको थोड़ा सा डार्क रेड कर दूंगा ताकि ब्राइट ना लगे आंखों को। ये कोई फाइनलाइज कलर नहीं है, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा कलर को। ओके, आओ अब इसको मिरर करेंगे वर्टिकली। देखिए बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको मिरर कर लेंगे वर्टिकली, और इसके जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को भी नन कर देंगे, एक्स बटन पे जाके राइट क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए पिक्सलेट हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और इसको एनहांसमेंट पे कर देंगे। नाउ अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और इस ट्रायंगल को पेज के सेंटर में लाने के लिए पी प्रेस करेंगे, तो ये पेज की सेंटर में आ जाता है। अब मैं इसको सेलेक्ट ही रखूंगा और इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, और कन्वर्ट टू कर्व इसलिए मैंने किया, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा एडिट करूँगा। अब क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से एक
रूलर लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने इस नोट के ऊपर लगाया है ये रूलर। अब इन नोट्स को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। मैं इन नोट्स को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं जूम करूँगा और यहाँ पे से पकड़ूंगा। देखिए, यहाँ से अगर इस तरह से पकड़ करेंगे तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एक न्यू नोट क्रिएट करूँगा। अब क्या करेंगे, मैं इसको इस नोट को पकड़ूंगा और कंट्रोल प्रेस करते हुए थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। कुछ इस तरह के शेप मुझे चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो नोट है मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट की प्रेस करते हुए, और इस बटन में क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व मैंने इसलिए किया है, देखिए दो हैंडल आ गए हैं यहाँ पे, इसको कर्व कर लेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरह से, और यहाँ क्लिक करेंगे दो हैंडल इधर भी आ गए, और इसको भी मैं कर्व कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। या एक काम और करेंगे, अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। अब देखिए, दोनों साइड का जो कर्व है वो इक्वल नहीं होगा, मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। तो मैं इस रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, इस रेड को भी, और यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो जैसे मैं ट्रिम करता हूँ तो इस तरह से ये एक हाफ शील्ड हो जाता है। मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ कुछ इस तरह से, और उसको यहाँ से मिरर करूँगा हॉरिजॉन्टली। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मैं पहले इसको बिल्कुल पास में ले आऊँ कुछ इस तरह से, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले अलाइन कर लेते हैं यहाँ से अलाइन हॉरिजॉन्टली, और इसको कर देंगे वेल्ड। तो आप देख सकते हो, अब जो कर्व है वो दोनों में इक्वल है। अब इस रूलर की जरूरत नहीं है, इसका गाइडलाइन को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट रखता हूँ और काउंटर टूल में हम क्लिक करेंगे। इस काउंटर टूल में हमने क्लिक किया और यहाँ पे वन है, इसको कर देंगे, चलिए मैं इसको पहले वन में ही करता हूँ, आउटसाइड काउंटर करूँगा कुछ इस तरह से, और इसको 30 पिक्सल की जगह इसको कर दूंगा 75 कुछ इस तरह से, या फिर इसको 85 कर देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, अब इस रेड को इस ब्लैक से अलग कर देंगे। तो सेलेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ब्रेक, इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल की, और अब देखिए मैं इस रेड को अलग करता हूँ, ये ब्लैक से अलग जाता है। अब इस रेड को सेलेक्ट करेंगे इस ब्लैक को, और इसको कर देंगे ट्रिम। तो जैसे ही ट्रिम किया, इस रेड ने इस ब्लैक को बीच में से पंच कर दिया, कंट्रोल जेड अंडू करेंगे। अब इस रेड का मैं आउटलाइन लूंगा, आउटलाइन मैं किसी और कलर से ले लेता हूँ, चलिए येलो कलर का आउटलाइन कर देते हैं। ये देखिए, इसके आउटलाइन की विड्थ को बढ़ा देंगे, मैं यहाँ से हेयर लाइन से मैं इसको 8 करके देखता हूँ, जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, आई थिंक ठीक है, या फिर 10 रख लेते हैं, चलिए 10 कर देते हैं इसको, ओके। अब इस येलो को इस रेड से अलग करना है, तो सेलेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए अलग हो चुका है, कंट्रोल जेड अंडू करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट फील देंगे, मैं गोल्डन कलर का एक ग्रेडियंट दूंगा इसमें। तो इस ब्लैक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इंटरेक्टिव फील टूल को सेलेक्ट करेंगे, और कुछ इस तरह से मैं ट्रैक करूंगा कंट्रोल प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, ये देखिए एक ऑप्शन आ जाता है, इस एरो में क्लिक करने पे यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको ऑरेंज में ले आता हूँ, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा
येलो भी मिक्स कर देते हैं। चलिए राइट, मैं इसको येलो में ले जाता हूँ कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह का येलो ले लेता हूँ। राइट, अब यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा इस तरफ, और इसको मैं कर दूंगा लाइट येलो। राइट, अब यहां मैं क्लिक करूंगा डबल, और इसको और लाइट कर देंगे येलो, कुछ इस तरह से। अब अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसा मर्जी। अब मैं यहां बीच में डबल क्लिक करूंगा को और लाइट कर दूंगा, या फिर इसको डार्क भी कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है लाइट करना, आप इस तरह से डार्क भी कर सकते हो। राइट, और चलिए इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और ये जो येलो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो ग्रेडिएंट है मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। यहाँ से कलर आई ड्रॉपर सेकेंड वाला, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये ग्रेडिएंट के लिए होता है, और यहाँ से ग्रेडिएंट पिक कर लेंगे और यहाँ अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसका जो डायरेक्शन है मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ग्रेडिएंट का, जी प्रेस करेंगे, और इसको मैं स्टार को मैं यहाँ लेके आता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, और इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं कुछ इस तरह से। राइट, अब क्या करेंगे, मैं एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से इसके सेंटर में, और इस रेड पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और यहां से इंटरसेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मैं इस रेक्टेंगल को बाहर निकाल के डिलीट कर देता हूँ, एक नया शेप और क्रिएट हो गया, ये देखिए। इसको कंट्रोल जेड अंडू करेंगे, और मैं इसको कर दूंगा ब्लैक, फिलहाल के लिए अभी ब्लैक कर देते हैं, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस रेड को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। तो देखिए ये ब्लैक अलग हो जाता है, रेड अलग हो जाता है, दोनों अलग हो गए। कंट्रोल जेड अंडू करेंगे, अब क्या करेंगे, मैं इनमें भी थोड़ा ग्रेडिएंट अप्लाई करूंगा, दोनों को वैसे ब्लैक कर देता हूं, और दोनों की एक और मैं कॉपी करके बाहर रख लेता हूं। क्यों रख रहा हूं अभी मैं बताता हूं। सेलेक्ट किया इंटरेक्टिव फिल टूल को, या जी प्रेस करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे, या फिर इस लाइट पार्ट को अंदर रखेंगे और डार्क को यहाँ लेके आएंगे। लाइट को कर देंगे 90% ग्रे, कुछ इस तरह से। अब सेम यही ग्रेडिएंट इस ब्लैक पर भी अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहां से मैं सेकेंड आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पिक कर देते हैं। चलिए ये हो गया, अब इसका थोड़ा सा डायरेक्शन मैं चेंज कर लूंगा, जी प्रेस करूंगा, और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ डार्क को, इस लाइट को इस तरफ लेके आएंगे कुछ इस तरह से। राइट, अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये व्हाइट कलर का लाइन जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम ज्यादा जूम आउट कर देते हैं तो शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर जूम करने पर ये दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका, और इसको सेलेक्ट किया मैंने, और इन दोनों को मैं वेल्ड कर दूंगा, ठीक है, और पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में जाएगा ये, या फिर ऐसे करते हैं इसको सेलेक्ट करके इस गोल्डन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को अलाइन कर लेंगे इस तरह से, और डी सेलेक्ट करने के बाद उस पार्ट को मैं बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, और फिर कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे एक बार,
तो देखिए अब वो जो लाइन था अब नहीं दिखाई दे रहा है, अब देख सकते हो। अब क्या करेंगे, अब इस गोल्डन फ्रेम में मैं रिपीट क्रिएट करके लगाऊंगा। तो रिपीट ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, एक कंट्रोल प्रेस करते हुए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। उस सर्कल में मैं ग्रेडिएंट फिल दूंगा कुछ इस तरह से। एक तरफ मैं कर देता हूँ डार्क येलो, चलिए थोड़ा सा डार्क येलो कर देते हैं और डार्क कर देते हैं इसको। मैं इसको और डार्क कर देता हूँ यहाँ से आके इस तरह, ठीक है जी। और यहाँ पे कर देंगे येलो कुछ इस तरह से, ठीक है। और आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा। प्लस की प्रेस करेंगे, एक कॉपी कर लेंगे इसका, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए थोड़ा स्केल डाउन कर लेंगे, मैं कर दूंगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, जो बाहर वाला था उसको मैं यहाँ से मिरर करूँगा वर्टिकली कुछ इस तरह से। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ और स्केल डाउन कर लेंगे इसको, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा क्योंकि जूम आउट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। अब इसका एक कॉपी करेंगे प्लस की प्रेस करते हुए, राइट, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको मैं स्ट्रेट दूसरे साइड में भी लेके आता हूँ, ठीक है जी। इसको यहाँ देखिए, ठीक। अब एक और कॉपी करेंगे इसको डुप्लीकेट और मैं यहाँ रखूँगा। एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ रखूँगा। थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। अब एक प्लस की प्रेस करते हुए कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको लेफ्ट साइड में ले गए कुछ इस तरह से। एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे लगाएंगे यहाँ, राइट। अब क्या करेंगे, मैं अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करूँगा, लाइटिंग का रिफ्लेक्शन। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस तरफ लेके आते हैं, इसमें से एक को और एक डुप्लीकेट करके रख लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसका भी मैं अभी रीज़न बताऊँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको वेल्ड कर देंगे, इसको भी मैं वेल्ड कर रहा हूँ। और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस गोल्डन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस गोल्डन फ्रेम को, और दोनों को अलाइन करेंगे यहाँ से, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो ये आ गया सेंटर में। अब मैं एक ओवल शेप ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरह से और उसको रोटेट करेंगे कुछ इस पोजीशन में। मैं इसको उठाकर यहां पे रखता हूं, थोड़ा सा जूम करके मैं इसको इस कॉर्नर में लेके आता हूं, ठीक है जी। यहां रखते हैं इसको, चलिए मैं कोई भी कलर दे देता हूं, कोई कलर दे देते हैं इसको। मैंने ग्रीन कलर दे दिया, आउटलाइन को मैं नन कर दूंगा तो कुछ इस तरह से। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ब्लैक पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया और ट्रिम कर देंगे। अब मैं इस ग्रीन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और इसको सेलेक्ट करके मैं वाइट कर देता हूं। अब क्या करेंगे, इस वाइट पार्ट को सेलेक्ट ही रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। इस हैंडल को आगे पीछे कर सकते हो आप डार्क और लाइट करने के लिए। मैं इसको इस तरह से रखूँगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इस पार्ट की बारी आती है। अब इस पार्ट को क्यों रखा है, मैंने आउटलाइन ले लेता हूँ पहले और फील को मैं नन कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम करेंगे, अब क्या करेंगे, हम एक वृत्त डिज़ाइन करेंगे और वृद्ध डिज़ाइन करके इसको इस शील के अंदर लगाएंगे। जो वृद्ध होगा वो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस
इस शेप की तरह कर्व हो गया है। तो अब पहले मैं इस लाइन को ट्रेक कर लूँ, तो यहाँ से मैं शेप टूल को सेलेक्ट करता हूँ और इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस नोट को और यहाँ बटन में क्लिक करता हूँ ब्रेक, और फिर इस नोट को सेलेक्ट करेंगे ब्रेक, इस नोट को भी सेलेक्ट करेंगे ब्रेक। अब ये अलग नहीं होंगे, देखिए मैं इसको अलग करना चाहूँ तो अलग नहीं होगा क्योंकि हमने इसको यहाँ से ब्रेक नहीं किया, देखिए ब्रेक का पार्ट। अब ये अलग हो जाएंगे, देखिए ये पार्ट अलग हो गया, इसको डिलीट कर देंगे, और ये भी पार्ट अलग हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सिर्फ इस कर्व लाइन को रखेंगे। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, एक लीफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, एक मैं लीफ ड्रॉ करूँगा। मैं उसके लिए पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और एक लीफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ और इस तरह से। अब क्या करेंगे, मैं इसके बीच में भी कुछ ड्रॉ करूँगा, तो मैं कुछ इस तरह से कर्व लाइन बनाता हूँ और एक और बना देते हैं इस तरह से, और इसको क्लोज करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले अलाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली, सिर्फ हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको पतला कर दूँ, ये भी इतना ठीक है। फिर से सेलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, अब ठीक है, तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेलेक्ट करके ही डिलीट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का हमें एक लीफ मिल जाता है। इस लीफ का कलर भी मैं इसी तरह से गोल्डन दे दूंगा, तो यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, कलर पिक करके यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जी प्रेस करेंगे और एक साइड में थोड़ा सा डार्क रखेंगे और एक साइड में लाइट कर देंगे थोड़ा सा, मैं कुछ इस पोजीशन में रखूँगा कुछ इस तरह से, राइट। और इसको मैं थोड़ा सा रोटरेट भी कर लूँगा, तो इस तरह से रोटरेट कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट भी कर लेंगे इस तरह से, और इस डुप्लीकेट को इस यहाँ से हॉरिजॉन्टली मिरर कर देंगे। मिरर करने के बाद इसको यहाँ लेके आएंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले अलाइन करेंगे इसको वर्टिकली, और फिर कंट्रोल जी से मैं ग्रुप भी कर दूंगा, ग्रुप करने के बाद स्केल डाउन कर लेंगे इसको, बहुत बड़ा है ये लीफ, मैं स्केल डाउन कर देता हूँ और कर देते हैं इसको आई थिंक ये ठीक है। एक इसका डुप्लीकेट करते हुए कंट्रोल प्रेस करते हुए स्ट्रेट ऊपर ले आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और इसका साइज भी थोड़ा और छोटा कर देंगे ना, ठीक है। एक और डुप्लीकेट करके मैं कहीं बाहर रख देता हूँ। अब इन दोनों को, दोनों लीफ को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे है ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल को इस तरह से मैं ट्रैक करूँगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए कुछ इस तरह से लीफ आ रहा है। अब ये जो स्ट्रेट है, मुझे ये जो स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे इस लाइन के ऊपर चाहिए ऐसे कर्व होते हुए, इसको सेलेक्ट ही रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे है न्यू पाथ, न्यू पाथ में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये माउस के कर्सर में एक एरो आ जाता है, इस एरो को ले जाएंगे और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये जो लीफ थी वो सब आ गए हैं उस पाथ के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए ये कुछ अजीब तरह से आ रहे हैं, ये जो लीफ है ऊपर से तो ठीक है, पर नीचे से जितने भी आ रहे हैं वो लीफ बहुत ही अजीब तरह से वो रोटरेट होके आ रहे हैं, तो
एक चीज का याद रखें, फर्स्ट और लास्ट, जो नीचे का है और जो सबसे ऊपर का है, ये दोनों हमारे ओरिजिनल लीफ है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी चेंजिंग करनी है वो नीचे वाले में करनी है। सेलेक्ट करेंगे इस पूरे को और इस जगह करेंगे क्लिक मोर ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और इसके अंदर देखिए स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट में क्लिक करेंगे। ये देखिए माउस के कर्सर में एक एरो आ जाता है, इस एरो को ले जाएंगे और इस ओरिजिनल लीफ पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया, बाउंडिंग बॉक्स दिखाई दे रहा है। एक बार और क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर थोड़ा सा और, अपनी मर्जी से आप जैसा मर्जी आप रोटेट कर सकते हो। आप देखिए थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो लाइन है, ठीक है। इस लाइन को अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ही है। तो सेलेक्ट करेंगे, पहले ब्रेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है वो लाइन। अब इस लाइन को हम सेलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। एक चीज और करेंगे, पहले मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल होम करूंगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। और एक काम और करेंगे, ये जो लीफ हमने ऊपर भी रखा था इसको भी ड्रैग करके लेते आते हैं नीचे, और अनग्रुप करेंगे कंट्रोल यू से। एक लीफ को रख लेंगे, दूसरे को मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे की जरूरत नहीं है, और इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस पोजीशन में लाके, और इसको यहाँ रखेंगे, राइट। अब इस लाइन में आ जाते हैं जी, अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। मैं इस लाइन की वेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, 2 पिक्सल में कर देते हैं, और इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करूंगा। लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो एंड है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। आई थिंक ये ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और बाहर लेके आता हूँ, अब देखते हैं क्या है? ठीक है, और थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, इतना ठीक है, ओके इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्लैक को सेलेक्ट करेंगे और मैं इसमें इस तरह का कोई गोल्डन फील दे दूंगा। मैं यहाँ से इस वाले आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे गोल्डन फील ले लेता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज ही करूँगा, देखिए ये स्ट्रेट जा रहा है, तो मैं डार्क पॉइंट को नीचे लेके आता हूँ इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को यहाँ इस तरह से यहाँ, ठीक है जी, ओके। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। अब मैं इसको इस शील्ड के अंदर लगाऊंगा, थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे, तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसको इस पोजीशन में रखूँगा। आई थिंक ये ठीक है। एक और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसको मैं हॉरिजेंटली मिरर करूँगा, मिरर करके मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको क्या कर रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पहले मैं अलाइन कर लूँगा, अलाइन सेंटर वर्टिकली, ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस गोल्डन फ्रेम को, ऊपर से जो ये फ्रेम है गोल्डन, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और इसको अलाइन करेंगे यहाँ से अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली, तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहा हूँ अंदर वाले फ्रेम पे, ये जो अंदर वाला फ्रेम है थोड़ी सी मैं इसको चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जूम आउट करने पे ये उतनी सही ढंग से दिखता नहीं है।
तो ठीक से दिखे, इसलिए मैं इसको कुछ डार्क कलर कर दूंगा ताकि ये दिखे। थोड़ा सा ऑरेंज में जाके मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ इस तरह से। एक जो ये डार्क पॉइंट है बीच में, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और इसको मैं सेंटर में रखता हूँ और इस येलो को मैं यहाँ लेके आता हूँ। एक और डबल क्लिक करके इसी तरह का येलो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो आई ड्रॉपर से मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ, चलिए यहाँ से ये वाला येलो, ठीक है आप देख सकते हो। और यहाँ क्लिक करके इस येलो को मैं और भी लाइट कर दूंगा, थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं इस तरह से। और इस जगह को भी डार्क करने के लिए मैं यहाँ से आई ड्रॉपर ले लूंगा और यहाँ से ब्राउन कलर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं और ठीक है जी। ऑलराइट, अब मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर दूंगा कुछ इस तरह से और पी प्रेस करके मैं पेज के सेंटर में लाऊंगा। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। कंप्लीट किया हमने गोल्डन शील्ड। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगले कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में हम कुछ और नया डिज़ाइन करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।